सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज जीवन परमात्मा सबको, जितने भी जीव हैं सबका जन्म होता रहता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और मानव विशेष रूप से उस परमात्मा ने प्रत्येक मानव को इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर बना करके भेजा, अपना स्वयं का रूप दे दिया, आत्मा स्थापित कर दी, प्रकृति दे दी, बुद्धि प्रदान कर दी, सही और गलत की पहचान करा दी, अच्छा बुरा सब कुछ संतों के रूप में रास्ता दिखाने वाले भेज दिए। उन्होंने पूरी प्रक्रिया तैयार कर दी जिससे कि जीव ना भटके, सीधा उस परम तत्व तक पहुंच जाए। लेकिन मानव ने समय को रोकने के लिए, भटकाने के लिए अनेकों उपाय खोज लिए। छोटी छोटी वस्तुओं में सुख देख लिया, मोह ममता देख ली, अच्छा बुरा देखने लगे, आसपास जो विचार हैं वो प्रभावित करने लगे, और एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या पैदा होने लगी, परिवार को देख करके मोह पैदा होने लगा। और जीव जिस उद्देश्य को लेकर के इस संसार के अंदर आया वो उद्देश्य ही दूर हो गया। तो जो जन्म मानव का हुआ, जब आप लोगों को ये योनि प्राप्त हुई, तो जो उस परमात्मा ने आपको सबसे पहले मौका दिया, आप ये देखिए प्रत्येक जीव जितने भी हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग मेल फीमेल, पशुओं की तो छोड़िए आप, वृक्ष भी मेल फीमेल हो जाते हैं। बहुत से वृक्ष जैसे पपीते का देखिए आप, और भी बहुत से वृक्ष हैं जो मेल फीमेल को अनुभव करते हैं। क्या हम भी बस उतने मात्र से सीमित हो जाएं? क्या जीव बस उतना सा देख करके संतुष्ट हो जाए कि हाँ हमारा जीवन इतना है, खुश हो गए कुछ पल के लिए? लेकिन ये जो खुशी है, जो परमात्मा ने मानव का जन्म दिया और इसका अगर हम लाभ उठाते हैं तो जीवन एकदम से बदल जाएगा, परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। आप स्वयं अनुभव करने लगोगे। और जब इसका लाभ ही नहीं लिया, अगर हम जैसे आए थे वैसे ही अगर हम चले जाएंगे तो मानव बनने का क्या लाभ होगा? क्यों आए फिर हम इस धरा के ऊपर? इससे अच्छा तो भोग योनियों में चले जाते, कुछ कर्म तो हल्के हो जाते। हम इस कर्म करने वाली योनि के अंदर आए हैं। कोई भी जीव जो मानव बना दिया वो कमजोर नहीं रहा, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से। लेकिन आप लोग, हम लोग अपने आप को, स्वयं को उस परमात्मा से बहुत दूर लेकर के चले गए और उस परमात्मा की तरफ नज़दीकता विचार भी नहीं है। विचार जो है वो संसार के हैं, भ्रम के हैं, भूल के हैं। और इस संसार के अंदर जो
क्योंकि जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से, किसी भी पद्धति से, क्योंकि संसार के अंदर हजारों पद्धतियां हैं परमात्मा को पाने की, किसी भी पद्धति से अगर हम प्रयास कर रहे हैं, उस ओर चल रहे हैं, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया कि ये शरीर मैं हूँ, और आत्मा को बिल्कुल भुला दिया, आत्मा से दूर चले गए। और जितना दूरी आत्मा और शरीर की होगी, ये भ्रम आपको अंत समय तक, अंत कब, ये नहीं कि शरीर का अंत हो गया तो अंत समय आ गया, जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अंत समय नहीं आएगा। ऐसे ही भ्रमते रहेंगे, 84 के चक्कर में घूमते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जब तक जीव का कल्याण नहीं होगा, परमात्मा की मेर कृपा नहीं बरसेगी, उसकी दया के बिना, आप लोगों की साधना के बिना वहाँ तक नहीं जा सकते। प्रयास के बाद भी अगर आप उस ओर नहीं चल पा रहे, तो फिर अगला जन्म के लिए ये मत सोचो कि अगला जन्म हमारा नहीं होगा, या ये जितने जीव जंतु हैं कि हम ये नहीं बनेंगे। हम देख कितने आपकी आँखों के सामने जीव जंतु घूम रहे संसार में, कभी न कभी तो हम लोग भी इनकी योनियों के अंदर होंगे, कभी न कभी तो हमने भी इन शरीरों को धारण किया होगा, कभी न कभी तो हम भी इसी प्रक्रिया से गुजरे होंगे, कभी न कभी तो हमने भी परमात्मा से प्रार्थना की होगी कि हे परमात्मा कृपा करो, दया करो, दया निधान हो, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता, कोई भी जीव हो उनकी दया के बिना नहीं हो सकता। लेकिन वो आपके ऊपर कृपा क्यों करे? जब तक आप भजन नहीं करोगे, उसकी तरफ बढ़ोगे नहीं, उसके ये जो सांसें हैं उनको समर्पण नहीं करोगे, अभी तक तो ये ही नहीं पता समर्पण क्या करना है। क्योंकि हम लोग, कुछ लोग समझते हैं वस्तुएं समर्पण करनी है, कुछ लोग समझते हैं शरीरों का समर्पण करना है।